हर खबर को जानना आपका हक है। उसे आप तक पहुंचाना हमारा फर्ज। हमारी भरपूर कोशिश रहती है इस रीजन की हर खबर को पहुंचाएं आप तक। निष्पक्षता से, निडरता से, बीकानेर पुलिस की बड़ी कार रवाए, हवाला के 1.5 करोड़ जब्त, एक गिरफ्तार। बीकानेर जिला पुलिस ने हवाला कारोबार का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने बड़ी संख्या में नकदी के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर हरिशंकर के नेतृत्व में सदर SHO लक्ष्मण सिंह राठौर व उनकी टीम ने की। पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने बताया कि सोमवार को रात 11 बजे से 2 बजे तक विशेष नाकाबंदी की गई थी। इस दौरान श्री गंगानगर सर्किल पर नाकाबंदी की हुई थी। SP हरिशंकर व सदर SHO लक्ष्मण सिंह को एक कार में हवाला के करोड़ों रुपए ले जाने की सूचना मिली। इस पर दोनों अधिकारी श्री गंगानगर सर्किल पर पहुंचे। तभी एक कार आई जिसे कार को रोककर तलाशी ली गई। कार से 1.36 करोड़ रुपए मिले। पुलिस ने कार चालक नथुस अब्बास हनुमान के पास निवासी भवानी शंकर पुत्र श्रीराम प्रजापत से रुपयों के बारे में पूछताछ की, लेकिन वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। पुलिस वह रकम व कार जब्त कर ली। कार चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। SP गौतम ने बताया कि जब्त राशि के बारे में आयकर विभाग को सूचित किया गया है। उक्त इतनी बड़ी रकम कहां से लाई गई और कहां ले जाई जा रही थी, इस बारे में पूछताछ कर रहे हैं। संजय कड़वा की रिपोर्ट। रात्रि को पुलिस अधीक्षक बीकानेर के आदेशानुसार समस्त SHO नाकाबंदी में थे। उस दौरान मैं SHO सदर में अपनी टीम की नाकाबंदी गंगानगर धीरेया उर्मू सर्किल जो बोलते हैं, भीमसेन चौधरी सर्किल, तीनों के नाम से जो बोलते हैं, वहाँ सर्किल पे मैं नाकाबंदी में था। रात्रि को करीबन 12:15 के बीच में कार बीकानेर नंबर की आई थी। जब हमने रोक के तलाशी, डिग्गी खोला के तलाशी लेने, तो उसमें पैसे थे। संतोषजनक कोई जवाब नहीं दिया। पहले आना का नहीं करता रहा, कभी कहा 30 लाख है, कभी कहा 50 लाख है, लेकिन डाउट हुआ पैसे ज़्यादा थे। उच्च अधिकारियों को सूचना दी और उसको अच्छी तरह पूछताछ की है, और पूछताछ करके नोटों की जब गिनती की तो 1.36 करोड़ और 5,000 रुपये हमें मिले हैं।